हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रसोई मेगा की में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मटन करी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से किस तरह से बनाएं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी और यम्मी मटन करी बनके तैयार हुई थी। ये देखिए, पीसेस भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं इसके। तो आप इस तरह से मटन करी बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही टेस्टी मटन करी ये देखिए बन के हमारी तैयार हुई है। कितना बढ़िया कलर आया है उसमें, कितने बढ़िया पीस गले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कुकर। कुकर में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, ये जो हमने ले रखा है जिससे हम बनाएंगे, यही चम्मच भर के 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे इसमें। तेल ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, कम। वैसे तो मटन बहुत तेल में अच्छा लगता है, लेकिन हम थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखते हुए मटन बनाएंगे आज, तो कम तेल में बनाएंगे। यहाँ पे 2 चम्मच हमने बड़े तेल ले लिया है। इसको तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक यहाँ पे हम मसाले तैयार कर लेते हैं। इधर यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन पीस लिया है। प्याज की 4 से 5 मीडियम साइज़ की प्याज की गांठ ले ली हैं, 10 से 12 लहसुन की कली ले ली हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। फोर टेबल स्पून धनिया पाउडर हमने डाल दिया है इसमें। ये देखिए, 4 टेबल स्पून हमारा इसमें धनिया पाउडर गया। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसमें मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, कम या ज़्यादा। यहाँ पे ये गया कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च डालने से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है और थोड़ा मसाला भी देखने में अच्छा लगने लगता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया कश्मीरी मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है और बिल्कुल परफेक्ट था इतना नमक। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो गया है, हमने यहाँ पर तेज़पत्ता डाल दिया है और सारे मसाले हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। मसालों को मीडियम फ्लेम पे हमें बहुत अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। बस लगातार चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है मसाले, वरना हमारे जल जाएंगे। हाई फ्लेम पे हमें फ्राई इनको नहीं करना है। थोड़ा सा ये जो बाउल में प्याज लहसुन लगा रह गया था मसाला, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी डाल दिया है। ये देखिए, मसाला हमारा धीरे धीरे भुन रहा है, ऑयल धीरे धीरे साइड में से रिलीज़ हो रहा है। मसाला भुनने का तरीका ये, खुशबू अच्छी आने लगेगी मसाले में से और उसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि मसाला भुन गया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है जो कि हमने घर पर ही बना लिया था। दालचीनी, तेल और काली मिर्च, लौंग, जावित्री, जायफल, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, काली इलायची, सब में हमने सारे मसालों को भून के और फिर उसको मिक्सी में पीस लिया था दरदरा, और वही मसाला हमने डाला है। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है टेस्ट। फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से भून के पक गया है, फिर हमने इसमें जो मटन के पीसेस धुल के साफ़ करके रखे थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। ये सारे पीसेस लेके हमने इनको धुल के रख लिया था साफ़ करके, ये सारे पीस हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें सारे पीस डाल दिए। अब हम इसको हाई फ्लेम पे 2 से 4 मिनट अच्छे से लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छे से इन पीसेस में मिल जाए मटन में। तो हम 4 मिनट इसको भूनेंगे लगातार चलाते हुए।
बस इसको लगातार चलाते रहना है, ध्यान रखना है हमें, वरना हाई फ्लेम पे ये तली में लग जाएगा कुकर की। थोड़ा सा हमने इसमें पानी लगा दिया 1 कप के करीब, इससे क्या होगा कि मसाला हमारा नीचे जलेगा नहीं, तो हमने बहुत थोड़ा सा पानी लगा दिया। अब हम इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ऐसे ही। ये देखिए ऑयल धीरे धीरे रिलीज होने लगा है और ये फ्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं आप। अब हमने क्या किया है कि पानी को खौला लिया है, अलग से खौला के पानी आप ग्रेवी बनाएं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने पानी को अलग से गर्म कर लिया था एक बर्तन में, तो वही पानी हमें इसमें डाल देना है। तरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ग्रेवी जिस हिसाब से आप खाते हो, ज़्यादा पतली खाते हो तो आप पतली ज़्यादा पानी डालें, और आप अगर थिक थोड़ी सी ग्रेवी खाते हो तो आप थोड़ा कम पानी डालें। मैंने यहाँ पे लगभग आधे पौन लीटर के करीब पानी डाल दिया है, इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर तरह से गल भी जाएगा और हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल सही रहेगी। देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे अब ये पानी डाल के अब हम कुकर को बंद कर देंगे। ये देखिए जब ये हमारा एक बार उबाल आ जाएगा इसमें, फिर हम कुकर को इसका ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 5 से 6 सीटी लगानी है इसमें। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 सीटी लगा ली हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरह से ये गल चुका है और बहुत ही देखने में यमी बना है। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है इसमें, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है, ना थिक है ना पतली है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसके पीसेस कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये जितना देखने में अच्छा है उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप ये रेसिपी फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो हमने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, उसमें वही गरम मसाला डाल लिया है जो हमने घर पर बनाया था, उसको गरम कर लिया है और इसमें हमने तड़का लगा दिया है। और इसमें और इसको टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी हरे धनिया काट के डाल देंगे, तो इससे क्या होगा इस तड़के से और हरे धनिए से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बदल जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे हरे धनिए डाल दिए हैं और अच्छे से बस इसको चला देना है और आपको इस तरह से शब कर लेना है। अब आप खाइए, बहुत ही टेस्टी मटन हमारा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।